हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। आज मैं आपको वो घाट दिखाऊंगा जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया था और इसे चीर घाट कहते हैं। तो ये वही घाट है जहां पर भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे गोपियों का चीर हरण करके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह है वो पेड़, वो वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़ गए थे गोपियों का चीर हरण करके, यही वो कदम का वृक्ष है। और यहीं पास में कालिया दहन भी है। मैं आपको कालिया दहन माँ यमुना का, यमुना मैया का मंदिर भी दिखाऊंगा। पहले आप ये चीर घाट का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे ई रिक्शा हैं। और आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो चीर घाट, पूरा यमुना जी का पूरा दर्शन आपको करवाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे ठेले यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये है वो घाट, यहीं पर गोपियां स्नान कर रही थीं तो भगवान कृष्ण उनका चीर हरण करके कदम के वृक्ष पर, जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ, उस पर चढ़ के बैठ गए थे। ये देखिए यमुना जी का वो पूरा घाट, चीर घाट। यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए हजारों आते हैं। यहाँ पर बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबिलिटी है, यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यमुना मैया की पूजा भी करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर घी का दिया जलाते हैं यमुना मैया को। और यहाँ यमुना मैया में उस पार, दूसरी पार, यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। ये देखिए ये पूरा दृश्य आप देखिए यमुना जी का, यही चीर घाट है। इसके बाद मैं आपको यमुना मैया का कालिया दहन मंदिर भी दिखाऊंगा। ये चीर घाट है, यहीं पर भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया था। ये देखिए बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर जो हैं वो बोटिंग कर रहे हैं यमुना मैया में। ये चीर घाट पर ही यमुना मैया का मंदिर है जिसे कालिया दहन भी कहते हैं। ये मैं आपको यमुना मैया के मंदिर कालिया दहन के दर्शन करवा रहा हूँ। इधर से आप देखिए पहले, ये यमुना मैया का मंदिर है, ये आप देख लीजिए। ये कदम का वही वृक्ष है जहाँ पर भगवान कृष्ण चढ़ गए थे, भगवान कृष्ण चीर हरण करके गोपियों का इसी वृक्ष पर बैठे थे। और यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए बंदरों से अपना मोबाइल फ़ोन, अपना चश्मा, अपना वॉलेट संभाल के रखें। ये देखिए ये कदम का वृक्ष है, इसी को चीर घाट कहते हैं। और यमुना मैया का बगल में ये यमुना मैया का मंदिर है।